उत्तर प्रदेश की एटीएस टीम को आज बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। यूपी एटीएस ने रूस में रहकर आईएसआई के लिए जासूसी कर रहा भारतीय एजेंट को गिरफ्तार किया है। यह ऑफिसर रूस में भारतीय दूतावास में तैनात है। यूपी एटीएस के अनुसार विदेश मंत्रालय में मल्टी टास्किंग स्टाफ के पद पर काम कर रहे सत्येंद्र सिवाल को गिरफ्तार किया गया है। उस पर आईएसआई के लिए काम करने का आरोप है। ये आईएसआई के हैंडलर्स को महत्वपूर्ण जानकारियां मुहैया करवा रहा था। ये ऑफिसर सेना और देश की सुरक्षा से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां आईएसआई हैंडलर को पहुंचा रहा था। भारी बर्फबारी के कारण बड़े पैमाने पर सड़क संपर्क बाधित होने से अंतना के दूरदराज के इलाके सीर संदोज कदलीबली में लोगों को कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। गर्भवती महिलाओं और बुजुर्गों को सबसे ज्यादा परेशानी हो रही है। इस दौरान सीर संडोज कदलीबल इलाके में एक गर्भवती महिला को कंधे पर उठाकर घर से अस्पताल पहुंचाया गया। बर्फ का सड़कों से ना हटने के कारण यहां के निवासी बुरी तरह प्रभावित है। इस कड़ाके की सर्दी में बहुत कठिनाइयों का सामना उन्हें करना पड़ रहा है। जम्मू के नौबाद इलाके में पुलिसकर्मी ने आत्महत्या कर ली है। जानकारी के अनुसार पुलिस स्टेशन में तैनात कांस्टेबल इकबाल हुसैन ने आत्महत्या कर ली। पहले देखने में ऐसा प्रतीत होता है कि उसने खुद को गोली मारने के लिए सर्विस हथियार का इस्तेमाल किया है। जांच पर आगे की कार्रवाई के लिए एफएसएल टीम और क्राइम फोटोग्राफर को बुलाया गया है। जिला रियासी के महौर में एक दर्दनाक सड़क हादसे में दो लोगों की मौत हो गई। अधिकारी ने जानकारी देते हुए बताया कि एक वाहन JK08B4586 अनियंत्रित होकर हाई सेकेंडरी स्कूल बथोई के पास गहरी खाई में जा गिरी, जिसमें एजाज अहमद और मोहम्मद आसिफ की मौत हो गई। दोनों फारी महौर के रहने वाले थे। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। उधमपुर जिले में आज तड़के एक कार को ट्रक ने टक्कर मार दी, जिसमें एक दंपति और उनकी दो बेटियों की मौत हो गई, वहीं एक अन्य घायल है। जम्मू से यह परिवार श्रीनगर जा रहा था। ये दुर्घटना आधी रात के बाद जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग पर टिकरी के पास सालोट में हुई। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और दोषी चालक को पकड़ने के लिए तलाश शुरू कर दी गई है, जो एक्सीडेंट के बाद वहां से भाग गया। अरहम आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों से तैयार की गई दवाई बगैर ऑपरेशन के बवासीर, कब्ज, गैस, पेट की दर्द, हर बीमारी का इलाज बगैर ऑपरेशन के किया जाता है। बवासीर का इलाज सिर्फ 10 दिन में, गैस पेट की दर्द की पूरी बीमारी का सहाया हो। हम दवाई तैयार की जिसमें एक खुराक मुझे भी मैंने अपने आप पे ही आजमाया। मैं मुझे भी खुद ये बीमारी थी। मैं 3 साल से मुझे ये बवासीर की बीमारी थी, खूनी बवासीर थी। इसलिए मैंने क्या किया कि मैंने ये दवाई बनाई। 7 दिन के बाद मेरा जो मेरी वो बवासीर की बीमारी वो खत्म हो गई। हम होते हैं ऐसी माएँ बहनें हैं कि जिनको जो शर्मंदा होती है कि भाई ऐसी बीमारी बताने में, लिहाजा शर्मंदा नहीं होना चाहिए। ये एक बहुत बड़ी बीमारी है, ये कैंसर की जड़ है। कैंसर यहाँ से शुरू होता है। हमारे साथ रब्ता करें।